नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर जिला कलेक्टर ने जुर्माना लगाया है। रीवा जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के द्वारा 2024 तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत कई वृहद जल योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिन गाँव के निर्माण कार्य पूरा होकर पानी की आपूर्ति कर दी गई है, वहां से भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएचई विभाग द्वारा लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर 9,59,538 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज फिर अभी इसी की बैठक चल रही है और SDMs को भी हमने निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव में जो नल जल योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, न केवल कार्य की प्रगति की जाकर मौके पर समीक्षा करें बल्कि उसकी क्वालिटी की भी समीक्षा करें। ये देखें कि किस तरह के टैंक बने हैं, किस तरह की पाइपलाइन बिछी है, किस तरह का मोटर लगा है। जो घरों में पानी पहुँचाने की रिपोर्टिंग हो रही है, वो रिपोर्टिंग और एक्चुअल जो स्थिति है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। तो अगले सप्ताह सभी SDMs अपने मैदानी अमले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं और नल जल योजनाओं की प्रगति का भी आकलन करने वाले हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट भी करने वाले हैं। जो इसमें काम करने में किसी भी तरह की लापरवाही करेगा उसके खिलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक सप्ताह के बाद हम इसकी पुनः समीक्षा करने वाले हैं। अगर कोई प्रगति नहीं दिखती है तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा पहाड़िया कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ चर्चा की और मुख्य रूप से मृत जानवरों को अपशिष्ट करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही मृत जानवरों को अपशिष्ट करने की मशीनों में सुधार कर जल्द से जल्द उपयोग में लिए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी व्यापारियों ने अवैध वसूली से परेशान होकर अपनी समस्याओं से महापौर को अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। देखिए, पहाड़िया जो हमारे यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का MSW का प्लांट बन रहा है, उसको देखने गए थे। मेन हम गए थे वहाँ पर, जो जानवरों को, मृत जानवरों को जलाने का इंसुलेटर था वो ये बोल रहे हैं कि 2.5 महीने से बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण तमाम सूअरें मर रही हैं और गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जानवर मर रही है, सीजन ऐसा होता है। तो वो उसको देखने गए थे तो कि वो वास्तव में गड़बड़ है कि चालू नहीं करना चाहते। तो वहाँ पर जाने पर ये वस्तु से समझ में आई कि वो ख़राब है और उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक इसको हम चालू कर देंगे। उसका कुछ उसके ब्रिक्स होते हैं वो जो स्पेशल उस साइज के बनाकर बनाए जाते हैं और उतने टेम्परेचर में गर्म करके ही पकाए जाते हैं, उसके लिए उनको समय लगता है। वो बोले वो आ जाएगा तो हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी रेडी करके और फिर चालू कर देंगे। तो जो हमारे मृत जानवर हैं वहाँ पर इंसुलेटर में जलने लगेंगे। और 40 नंबर वार्ड गए थे, वहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएँ थी, पानी की दिक्कतें हैं, साफ सफाई नहीं है। दरोगा जो है वो 10-10 लेवर होने के बाद वहाँ पर सफाई नहीं थी, तो दरोगा को तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने जो मुरारी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, उनको मैंने निर्देशित किया है कि दरोगा को तत्काल उससे रजिस्टर लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें वैधानिक। और PHE वालों को बुलाकर तत्काल हमने बोला कि इनके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जब तक प्रोजेक्ट की पाइपलाइन की सुविधा नहीं हो जाती है तब तक। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे जो जानवरों के लिए? अभी तो जानवरों को दफनाने का काम इधर उधर करवाया जा रहा है, कुष्टा में हमारी जगह है वहाँ पर कराएंगे, पर दिक्कत तो है और वो दिक्कत को स्वीकार कर रहे हैं और दिक्कत है उनके प्लांट के लोगों के कारण, पर वो 30 तारीख तक वो समय मांग रहे हैं, 30 तारीख तक देंगे। रीवा जिले के गंगेव जनपद स्थित सेदाहा ग्राम पंचायत से बीते दिनों मुक्ति धाम चोरी होने का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया था। खबर सुनकर हर कोई हैरान था कि भला कोई मुक्ति धाम कैसे चोरी कर सकता है। हालांकि चोरी हुए मुक्ति धाम की तलाश अभी भी जारी है। ग्राम पंचायत सेदाहा में मुक्ति धाम के निर्माण के लिए 14,95,000 की राशि स्वीकृत हुई थी। जब इसकी जांच की गई तो लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर बना मुक्ति धाम निर्धारित स्थान से 15 किलोमीटर दूर दूसरी पंचायत में चट्टानों के बीच मिला, जहां केवल पत्थरों की बाउंड्री वॉल ही नजर आई। कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी को RTI कार्यकर्ता ने मुक्ति धाम निर्माण में हुए घोटाले से संबंधित जानकारी दी।
जिसके बाद कमिश्नर की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गंगेओं जनपद के सेदाहा ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम की तकनीकी जांच के बाद पुनः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के द्वारा किया गया। मामला था गंगेओं जनपद की सेदाहा ग्राम पंचायत में 14.95 लाख रुपए में बनाए गए सेदाहा शक्तिधाम का। गौरतलब है कि ये वही मामला है जिसमें सेदाहा ग्राम पंचायत के अराजी नंबर 3 में बनाए गए शक्तिधाम को हिनौता पंचायत के गदही ग्राम की अराजी नंबर 47 और 74 में होना पाया गया था। आज 31 अगस्त 2022 को सेदाहा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेओं के विषय में एक जाँच ली है जो शांतिधाम का मामला था। ऐसे भी 3 मनरेगा के कार्यों की जांच हुई जिसमें शांतिधाम बखरी में बना हुआ था जो 14,95,000 रुपये का, और 2 छोटे छोटे शांतिधाम थे जीरो ही पार्ट में सेदाहा पंचायत में ही, और एक खेल का मैदान था। इसकी तकनीकी जांच की गई है। इसके पहले शांतिधाम की जब जांच की गई थी राजस्व लेवल पर, तो उसमें ये पाया गया था कि शांतिधाम सेदाहा पंचायत की अराजी नंबर 3 पर ना बना होकर के नज़दीकी ग्राम पंचायत खिनौती की अराजी नंबर 74 पर बना हुआ है। अब तकनीकी स्तर पर ये देखना था कि उसका जो सरफेस का लेवल है वो क्या है, क्योंकि उसमें राज की ज़्यादा निकासी हुई है। तो आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री आर्यन कपोटे और उनके साथ श्रीकांत द्विवेदी, सहायक यंत्री गंगेओं, डोमिनिक उपयंत्री, इनकी टीम ने आकर के तकनीकी जाँच की है। कई दर्जनों जगह कूद करके देखा गया है, और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि कूद करके देखा गया है, उसका लेवल देखने का प्रयास किया गया है। मौके पर पाया गया है कि कहीं भी अच्छा काम नहीं हुआ है, और मिट्टी के नाम पर मात्र राशि की निकासी हुई है, और एक तरह से देखा जाए तो उसमें पूरी रिकवरी बनती है। और जल्द ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों का यह कहना है, देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रदेश में शासकीय स्कूलों का बुरा हाल है। कहीं विद्यालय भवन विहीन है तो कहीं शिक्षक विहीन है और कहीं छात्र विहीन। प्रशासन ने अनदेखी के चलते अधिकांश स्कूलों में ताला लगा रहता है और कई स्कूलों की हालत जर्जर हो गई है। स्कूलों की हालात को सुधारने के लिए सरकार के दावे तो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वीडियो में जो आप स्कूल देख रहे हैं ये करीब 80 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। शहर के छोटी पुल के पास संचालित शासकीय प्राथमिक बालक पाठशाला सिकरमखाना है। इस स्कूल की स्थापना गुलामी के वक्त हुई थी। देश तो आज़ाद हो गया लेकिन इस स्कूल की हालत बदहाल है। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। तब यहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ाई करने आया करते थे और स्कूल में पढ़ाई भी सही तरीके से होती थी। शिक्षक भी समय पर आते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस स्कूल के हालात भी बिगड़ते गए। स्कूल के व्यवस्थाएं भी बिगड़ती गईं। इस स्कूल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्कूल में गिने चुने बच्चे रह गए हैं। इस स्कूल में ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी शायद मजबूरी में ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ होने वाली पढ़ाई के स्तर से वो अवगत है। इस स्कूल के कब्जे में 7,500 जमीन थी, लेकिन अब जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। कमरे जर्जर हो चुके हैं और छत से बारिश के दिनों में जगह जगह से पानी टपकने लगता है, जिसके चलते स्कूल रिकॉर्ड तो खराब हो ही रहा है, साथ ही पानी टपकने के चलते जगह जगह पानी भर जाता है और शिक्षक भी नहीं बैठ पाते। यहाँ पर बच्चों के लिए ना बैठने की जगह है और ना ही खेलने की, लिहाजा स्कूल दिन प्रतिदिन बदहाल होता जा रहा है। पानी गिरता है, चूता है, यहाँ पर हम बैठे रहते हैं, लाइट भी की समस्या है, और नल का पानी खा रहा है, और बाथरूम में छत नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं, लाइट बिल नहीं है, गर्मी में बैठे रहते हैं। पुरानी स्कूल है और क्या समस्या है स्कूल में बनी? ये सर अंग्रेजों के जमाने की स्कूल 1935 की है, तब से इस स्कूल की दशा बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल के दोनों तरफ एक तरफ इमली का पेड़, एक तरफ नीम का पेड़ है, जिसकी डालें इसी की दीवार पर रखी हुई हैं, जिसके कारण दीवार भी क्रैक हो चुकी है। आए दिन लकड़ी काटने के कारण सीमेंट सीट थी जो टूट गई। कई बार अपनी व्यवस्था से स्कूल में जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उसके हिसाब से हमने व्यवस्था बनाई, लेकिन उसकी व्यवस्था से व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। बिजली का खंभा लगा है, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। दो बार यहाँ पोलिंग हुई तो यहाँ हमने स्कूल की मद से टेम्परेरी कनेक्शन लेके 3 दिन के लिए कनेक्शन लिया। इसके बाद जैसे चुनाव हो जाते हैं कनेक्शन काट दिया जाता है। तो यहाँ पंखा भी नहीं है, गर्मी का मौसम रहता है, तो बच्चे जो आते हैं एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन गर्मी की परेशानी की वजह से फिर दूसरे स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ दिनों दिन बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है।
ये चूता भी है। वो तो अभी हम बनवाए हैं, अभी जो कुछ पैसा मिला था उसी से हमने सीट लगवाई है, तो चूना थोड़ा सा कम हुआ है, अभी थोड़ा काम भी चल रहा है। नाम क्या सर आपका? नरेंद्र प्रसाद पांडे, प्रधानाध्यापक। हाँ, अगली खबर की बात करते हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटी गांव में एक वर्ष पूर्व गाय के बछड़े को काट कर फेंकने के मामले में घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि गौवंश की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी युवक फिरोज खान को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार किया गया आरोपी युवक शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ मऊगंज थाने में गौवंश की हत्या सहित कई अन्य मामलों के तहत प्रकरण दर्ज है। ये थाना मऊगंज में पिछले वर्ष जुलाई माह की घटना है, जिसमें फरियादी मोहम्मद शाबिर ने रिपोर्ट किया था कि चक्रभाटी का ही एक फिरोज खान नाम का व्यक्ति है, जिसने इसके 6 माह के बछड़े को चोरी करके और उसको मार के फेंक दिया है, जिसमें थाना मऊगंज में 379-429 IPC और पशु क्रूरता अधिनियम तथा गौवंश मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। और घटना सही पाए जाने पर आरोपी की लगातार पता तलाश की गई थी, लेकिन ये घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार हो गया था। जो एक टीम बनाकर इसको अभी हाल ही में पकड़ा गया है और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। शहडोल जिले के सभी थानों में सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सुरक्षा सप्ताह में कई जगह कई कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। लेकिन आबकारी विभाग ने दुर्घटना पॉइंट पर शराब दुकान की परमिशन दे डाली, जहां आए दिन दुर्घटना होती है। शाम को रोड के किनारे ही महफिल जम जाती है। आए दिन दुर्घटनाओं को देखते हुए थाना प्रभारियों के द्वारा रोड में वाहन चेकिंग लगाई जाती है, जिसमें लोगों को समझाइश भी दी जाती है कि हेलमेट पहनकर चलें, पर रुमटा तिराहे में सभी नियम कानून फेल दिखाई दे रहे हैं और आबकारी विभाग चुप्पी साधे हुए है। आज से कुछ दिन पूर्व ही पुलिस प्रशासन के द्वारा शराब ठेकेदारों पर बड़ी कार्यवाही की गई थी, पर एक बार फिर शराब ठेकेदार बुढ़ार क्षेत्र में जगह जगह पैकारी का कार्य कर रहे हैं। रुमठा तिराहे में खुली देशी विदेशी शराब दुकान से लगातार पैकारी शुरू की गई है, जो ग्रामीण अंचलों में कई जगह है। यहां लोगों को शराब आसानी से मिल जाती है। किसवाही क्षेत्र के इस ग्राम में ऐसा है, जहां पर खुलेआम शराब बेची जा रही है, पर आबकारी विभाग केवल गरीब महुआ से शराब बनाने वालों पर ही कार्यवाही करती है। आखिरकार क्यों अंग्रेजी विदेशी शराब पर आबकारी विभाग कार्यवाही नहीं करता? किसकी शह पर क्षेत्र में पैकारी का खेल चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। शहडोल में विधायक मनीषा सिंह ने आज पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल जनसुनवाई लोक कल्याण शिविर कार्यक्रम में खुले मंच से विधायक ने कहा कि जनता को वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस परेशान करती है। जैतपुर भाजपा विधायक मनीषा सिंह ने ये आरोप लगाए हैं और खासकर उन्होंने केसवाही पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत होहर ग्राम स्थित प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर से अष्ट धातु की भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को आज सुबह चोर चुरा ले गए। इस घटना की सूचना तब लगी जब हमेशा की तरह पुजारी सुबह पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर में देखा तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति गायब थी। तब पुजारी ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। गांव वालों ने इसकी जानकारी युवा समाज सेवी विक्रम सिंह विसेन को दी। विक्रम सिंह ने मूर्ति चोरी की घटना को कोटर थाना प्रभारी को दी। कोटर थाना प्रभारी श्रीराम सनोडिया सहित पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे, मूर्ति चोरी करने वालों की खोज में जुट गए हैं। सतना से जयदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।